वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे का सेकंड लॉ लेंगे। फैराडे के सेकंड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेटअप को समझेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये यहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये अपने आप में एक कंप्लीट है जिसमें डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, इनमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये तीनों सेटअप हैं, ये एक बैटरी, एक कॉमन बैटरी से कनेक्ट है। इट मीन्स इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो सेम सप्लाई होगी। तो जब भी ऐसा सेटअप होता है, जब उसमें सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो इलेक्ट्रोड्स पे जो मास डिपॉजिट होता है, मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। जैसे कि हम इसको ए बी सी में समझें, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। तो इसको हम शॉर्ट में मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इक्वल्स टू ई ए अपॉन ई बी। ई यहाँ पे इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वन फेराडे इक्वल्स टू वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हम इसको समझते हैं। जो इक्विवेलेंट वेट होता है, दैट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो वैलेंसी फैक्टर देखें तो जैसे कॉपर प्लस टू है या मैग्नीशियम प्लस टू है या जिंक प्लस टू है, तो इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनका वैलेंसी फैक्टर होगी। एक तो ये केस है। दूसरा, अपने पास एसिड हो, उसमें हमें देखना होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए वैलेंसी फैक्टर इसका टू होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर वन होगा। एंड थर्ड केस हम देखें, जैसे कि परमैग्नेट है, वो आगे Mn प्लस टू में हो गया, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे प्लस टू में, तो इसमें कितने का चेंज आया, फाइव का। तो ऐसे केसेस जो होते हैं उसमें हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को लेते हैं वैलेंसी फैक्टर में। तो ये तरीका है हमारा इक्विवेलेंट वेट निकालने का। इधर हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस टू है, उसके लिए एटॉमिक वेट 63.5 है, वैलेंसी फैक्टर टू है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय टू। सिल्वर के लिए वैलेंसी फैक्टर वन है, तो 108 डिवाइडेड बाय वन। इसी तरह से हम जिंक के लिए देख सकते हैं 65 डिवाइडेड बाय टू। एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी फैक्टर थ्री है, 27/3। मैग्नीशियम के लिए टू है, 24/2। यहाँ पे 24 एटॉमिक वेट है मैग्नीशियम का, 27 एल्यूमिनियम का, 65 जिंक का, 108 सिल्वर का एटॉमिक वेट है एंड 63.5 कॉपर का एटॉमिक वेट है। तो ये हमारे यदि फैराडे लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फैराडे सेकेंड लॉ। थैंक यू।